कि जैसे कि वॉरेन बफेट हैं और काफ़ी एज तक अब भी अलाइव है और ठीक ठाक हेल्दी हैं, और लेकिन उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। डेली कोक पीते हैं और मतलब कि मैकडोनल्ड्स के बर्गर खाते रहते हैं, और वो बहुत वाइज हैं, वैसे बहुत स्मार्ट है, एक्सट्रीमली स्मार्ट है। मतलब कि उनके इंटरव्यू सुनो, मैं बायोग्राफी भी पढ़ी है उनकी, वो एक्सट्रीमली स्मार्ट हैं। बट स्टिल वो कहते हैं कि जो स्ट्रेस फ्री लाइफ मिल रही है, जो अपनी मनपसंद का खाना खा के, कि वो जो घास फूस खाऊंगा मेरे को तो पसंद ही नहीं है, वो उससे अच्छा है कि मैं ये खा लूँगा, और मतलब वो उसके हिसाब से भी बहुत बढ़िया चल रही है उनकी। और मतलब लाइक अबाउ 90 हो गई है उनकी एज और ठीक ठाक चल रहे हैं। और मेरे को तो काफ़ी मतलब कि वो लगता है मतलब कि हाँ ये भी किया जा सकता है। मतलब बेसिकली मैं खाता बहुत कम हूँ, मतलब खाने का तो ज़्यादा शौक है ही नहीं, पर स्टिल मतलब कि आप कहते हो कि मतलब बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए कचरा और ये सब, बट वॉरेन बफेट कहते हैं और वो सब, तो मेरे को काफ़ी वो लगता है कि ये किया नहीं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, मैं हमेशा बैलेंस की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ बीच का रास्ता पकड़ो, एक्सट्रीम में कभी मत जाओ, किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में जाना बुरा है। एक एक्सट्रीम हो गया कि आप सिर्फ कचरा ही खा रहे हो जी, एक एक्सट्रीम हो गया कि आप सिर्फ हेल्दी ही खा रहे हो, जो आपको चाहे टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा, मन नहीं कर रहा खाने का, बस ज़बरदस्ती खाए चले जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, दैट इज ऑलवेज बेटर देन गोइंग इन एन एक्सट्रीम। तो आप वॉरेन बफेट का जो आप एग्जांपल ले रहे हो, वो बेसिकली और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी आप सिर्फ एक स्टैंड पॉइंट से देख रहे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनकी जो डाइट है या जो उनकी ईटिंग हैबिट्स है, वो खुद बताते हैं अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में कि डेली अपना एक बर्गर खा रहे हैं और कोक पी रहे हैं और लार्ज कोक और व्हाटएवर, ब्रेकफास्ट ही बर्गर से हो रहा है, राइट। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज दैट इज जंक फूड। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ गलत होता है, कुछ ना कुछ सही होता है, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है, उनकी लाइफ में भी है, बट डिपेंड करता है कि वो सही क्या कर रहे हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। सही क्या कर रहे हैं, वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली फॉर हिम द स्टॉक मार्केट इज मोर लाइक अ गेम जिसको वो खेल रहे हैं। तो हेल्थ ऐसा नहीं है कि अगर हम अच्छा खा लेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उससे तो बॉडी ठीक होएगी ना, बट बॉडी से इंपॉर्टेंट क्या है, माइंड। आप कह सकते हो दोनों ही ज़रूरी है, बट अगर दोनों में से आप मेरे से पूछो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्वियसली माइंड। किसी की बॉडी बहुत हेल्दी है, बहुत फिट है, बाहर से दिखने में बिल्कुल परफेक्ट है, बट अंदर से परेशान है, तो उससे पूछो उस हेल्प का करेगा क्या भाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं भी वो गलत करूँगा तो मेरी लाइफ में भी वो सब सही हो जाएगा, मेरी भी एज 90 प्लस हो जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर होलिस्टिकली आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो अगर एक चीज़ गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो 10 चीज़ें सही भी कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी वो एक चीज़ गलत करें।